विल यू से जय श्री राम? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। व्हाट आर यू सेइंग? रजनीगंधा इज अवेलेबल हियर। तो भाई स्वागत है आप सब लोगों का एक नए दिन की शुरुआत में। अभी बजे हैं सुबह के 9:15 और आज की जो ट्रिप है वो कोरल आइलैंड हाफ डे ट्रिप रहेगी और उसमें हम लोगों का लंच इंक्लूडेड रहेगा। कल रात को वॉकिंग स्ट्रीट से आते टाइम थोड़ा सा लेट हो गया और आके मैं थक गया था। बहुत ज़्यादा रूम में गर्मी थी लेकिन रात को इतनी ज़्यादा ठंड हो गई एसी में। और ये होटल भी अपने आप में अजीब है क्योंकि एक भी रूम में फ़ैन नहीं है, सिर्फ एक ही स्प्लिट एसी है। बट इट्स ओके, काम चल गया था। होटल में भी 50-50 रिकमेंडेड है, आना चाहो तो आप आ सकते हो, नहीं आना आपकी मर्जी है। तो चलिए अब हम आपसे कोरल आइलैंड में मिलते हैं। और हाँ, एक और बात है कि इस होटल पैकेज में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। 9:20 पे वो नीचे हम लोगों का वेट कर रहा होगा, करीब 9:10 हो गए हैं। तो देखते हैं अगर हम ब्रेकफास्ट ले पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। एक और बात, ब्रेकफास्ट में ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। वेजिटेरियन वाले ध्यान रखना है, वेज के नाम पे कोई ऑप्शन नहीं है। सुबह सुबह चावल मिले तो मैंने एक ऑमलेट भी लिया हुआ है। वैन अपनी उस साइड रेडी खड़ी है तो चलिए फटाफट वैन में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आज कोरल आइलैंड। ये ट्रैवलर आ रहे हैं पिकअप करने और कल ये ट्रैवलर का भी टूर मैंने आपको दिया ही था। मैं तो भाई फर्स्ट रो में ही बैठूंगा क्योंकि एसी विंड्स तो यहीं पे ही हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है इस कंट्री में इस टाइम पे तो खासकर। सोंकर्ण नाम का इनका फेस्टिवल है यहाँ पे, न्यू ईयर ये लोग मनाते हैं इस फेस्टिवल में। शॉप्स वगैरह थोड़ी बहुत क्लोज रहती हैं, हालांकि अपना पैकेज बुक है तो गाड़ी लेने छोड़ने घुमाने हर जगह तो आ ही रही है। और अभी कोरल आइलैंड के लिए हम लोग निकले हैं और किसी बीच से किसी स्पीड बोट या किसी नॉर्मल फेरी में हम लोगों को कोरल आइलैंड जाना होगा। रिटर्न टाइम पे लंच भी है, इंडियन लंच, और इंडियन फूड के यहाँ बहुत कम ऑप्शन है। होटल की मैं बात कर रहा हूँ और होटल से निकलते ही इंडियन रेस्टोरेंट की यहाँ पे कमी ही नहीं है। कल शाम को तो ऐसे लग रहा था जब मैं क्लब्स वगैरह एक्सप्लोर कर रहा था कि मैं इंडिया में ही हूँ। और जब मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव गया, नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, जब मैं अपने इंस्टाग्राम पे कल लाइव गया तो मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने तो मुझसे ये भी पूछा कि भाई थाईलैंड में है या दिल्ली मुंबई के किसी क्लब में है, क्योंकि पूरे गाने रणवीर कपूर के, उनकी मूवी रामलीला हो या उनकी मूवी पद्मावत हो, पूरे गाने उन्हीं मूवीज़ के चल रहे थे। हालांकि ओल्ड सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा थे, रीमिक्स में डीजे में तो हर सॉन्ग अच्छा लगता है। करीब आधे घंटे 2-4 होटलों में और लोगों को पिकअप के बाद फाइनली पटेया बीच पे। तो यहाँ पहुँच कर इन्होंने हाथ पे कुछ ऐसा गोद दिया एंड फॉलो हिम। देखते हैं कहाँ तक फॉलो करना पड़ता है। और अभी टाइम हो चुका है यहाँ पे 10:30 AM। देखिए सब लोग तो इधर उधर हो गए, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग चाहें तो कोरल आइलैंड बाय लोकल फेरी भी जा सकते हो, 30 baht चार्ज है उसका। सब हिल रहा है बॉस।
कोरल आइलैंड जिसका ओरिजिनल प्रोनंसिएशन कोहलान आइलैंड है, पूरे थाईलैंड की मोस्ट पॉपुलर और कॉमन ट्रिप है। जो भी थाईलैंड आता है वो कोरल आइलैंड जरूर विजिट करता है। बेसिकली कोरल आइलैंड ट्रिप तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। द फर्स्ट वन इज एक्टिविटी होती है पैराग्लाइडिंग, जो कि फर्स्ट स्टॉप होता है। सेकेंड स्टॉप में सी वॉक करवाते हैं। थर्ड स्टॉप मैन होता है, जो कि कोरल आइलैंड घूमना और बची हुई दो एक्टिविटी करना होता है। कोरल आइलैंड ट्रिप की चार्ज अलग होती है और एक्टिविटी जो कि मैंने की इसकी चार्ज अलग होती है। पर अगर आप कहीं रास्ते में कोरल आइलैंड ट्रिप बुक करवाते हैं, जो कि बहुत काउंटर्स आपको दिखेंगे, तो कुछ बार्गेन करके आप उनसे ही एक्टिविटी बुक करवा लें, वरना यहां आपको 2500 बात पे करने होंगे और ये कोई बार्गेन नहीं करेंगे। तो भाई लोग यूजुअली चार एक्टिविटीज हैं इधर, पैरासेलिंग, अंडर सी वॉक, बनाना राइड और स्कूटर राइड। तो बनाना राइड इन सबका जो पैकेज है वो 25,000 बात ईच पर्सन ऑल इंक्लूडेड है। और सी वॉक में ये लोग CD भी बना के देंगे या आपके गूगल ड्राइव पे फोटोज वीडियो सेंड करेंगे। तो 2,000 बात वाला मैंने पैकेज लिया है। पैरासेलिंग पैराग्लाइडिंग मैं यहाँ पे करूँगा और अंडर सी वॉक करूँगा, जिसकी CD या गूगल ड्राइव जिस पे भी मैं फ़ोटो लूँगा। और आना चाहिए, करना चाहिए। प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बट इट्स ओके। 2500 वाला भी पैकेज था और स्कूटर और बनाना राइड। हालांकि पैरासेलिंग भी गोवा में बहुत सस्ते में होता है, तो सी वॉक के 1600 बात ही चार्ज कर रहा था, तो 400 बात और देके मैं पैराग्लाइडिंग भी कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं मज़ा आता है कि नहीं। भाई को रेडी करते हुए, अजय भाई रेडी होते हुए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं अजय भाई को कि कैसे कैसे करना है। पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो अभी सी वॉक के लिए आया हूँ। शायद आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही होगी क्लियर, लेकिन चलिए अब सी वॉक करते हैं। चेस्ट पर आएगा, फिर आपको पहनाएंगे ऑक्सीजन हेलमेट, जैसे आपके कंधे पे रहेंगे, आप सीढ़ियों से दोनों हाथ छोड़ना। भाई साहब क्या बांट रहे हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि थाईलैंड की ट्रिप में मेरी विश बकेट में अंडर सी वॉक भी था, जो कि मेरे हिसाब से अभी थाईलैंड में ही हो रहा है। होता होगा बहुत जगहों पे, पर मुझे ये अंडर सी वॉक करना था। ये थाईलैंड में इसी जगह होता है। ये ऑक्सीजन पाइप्स हैं और ये हेलमेट पहना के पानी के अंदर डाला जाएगा। सिर्फ ये हेलमेट ही होगा सेफ्टी के लिए, और बोल रहे हैं फुल सेफ्टी है, ऑक्सीजन इस हेलमेट में आपको आती रहेगी। अंदर बोल रहे हैं वॉक करने के लिए भी है, रेलिंग है, आप पकड़ के वॉक कर सकते हो। हाउ मच डीप? 40 meters? Yeah. डेप्थ 40 meters? Yeah. And where is the photographer? Cameraman. Who make our videos? Yeah, video for you. Inside? Yeah. Where is the photographer? Who is the photographer? All together. Oh, photo. Inside. और ये स्विमर भी है फुल कॉस्ट्यूम में। ये भाई साहब, जय श्री राम। All are you excited? Yeah! Super excited. राजा भाई हम सी वॉक के लिए जा रहे हैं। ओए अजय भाई, वॉच वॉच वॉच। फ
फाइनली वेलकम टू द कोरल आइलैंड, थाई भाषा में लिखा हुआ है। वो स्पीड बोट हमें यहाँ पे ड्रॉप करके जा रही है। अंडर सी वाटर के बाद मैंने शूट नहीं किया क्योंकि पूरा भीग चुका था मैं, और मैंने चेंज भी नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये हमें ऐसे ही छोड़ देते। तो ऐसा है कुछ कोरल आइलैंड का नज़ारा। चलिए अंदर चल के भी एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे ये कुछ कोरल आइलैंड की वाइब्स, एक बार आना तो बनता है। व्हाट आर यू सेइंग? रजनीगंधा इज अवेलेबल हियर। तो भाई गुटके वालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि स्मोकिंग बियर सब मिल जाएगा, तो रजनीगंधा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और क्या ही चाहिए आपको। तो यहाँ पे अपने टूर वालों का टाई अप है, आप इस चेयर पे बैठ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अदरवाइज कहीं पे भी बैठने के 100 बात चार्ज है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि थाईलैंड इंडिया से 1.5 घंटे आगे चलता है। अगर वहाँ सुबह के 7 तो यहाँ सुबह के 8:30 बजते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रीट है, ये है सामने इंडियन फूड। यात्री डॉक्टर ने यहीं का ही वीडियो डाला था। कोरल आइलैंड भी काफ़ी बड़ा है, आप चाहो तो यहाँ स्टे कर सकते हो। मोटरबाइक भी यहाँ पे रेंट में अवेलेबल है। बाकी अंदर छोटी सी सिटी है और ये बीच है। बीच बहुत अच्छा है, अगर आप थाईलैंड आ रहे हो तो फुल्ली रिकमेंडेड है। तो अब आप कुछ सिनेमैटिक शॉट्स का मजा लीजिए। कोरल आइलैंड पाटाया में मैं हूँ अभी। लाइफ में एक बार तो आना बनता है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कब आते हो। क्या लगता है आप लोगों को कि बच्चे ही बस बीच पे घर बनाते हैं? ये देखिए। एक्सक्यूज मी ब्रदर, वेयर आर यू फ्रॉम? इजराइल। इट्स अ वेरी पावरफुल कंट्री नाउ। यो, वी आर फ्रॉम इजराइल एंड वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ। यू कैन टेक अ पिक्चर, टेक अ पिक्चर। व्हाट आर यू मेकिंग? वी आर मेकिंग अ पैलेस एंड वी आर डिगिंग अ होल। हे ब्रदर, यस माय फ्रेंड, will you say jai shri ram? Jai shri ram, jai shri ram, jai shri ram. Yo, what is mean? God's name, jai shri ram, jai shri ram. Yo, one life. To abhi hum log lunch ke liye ja rahe hain, to bye bye coral island. To chaliye boat pe chalte hain, inko main request kar raha hu aap jaiye. Acha, aur thank you hai inka ki ye ja rahe hain, aur inke sadke hi aap वीडियो देखोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो भाई लोग बोट निकल चुकी है, बहुत ज़्यादा तेज़ वेव्स आएंगी और फ़ोन भी भीगेगा, मैं भी भीगूंगा। जितना कोशिश हो सकेगी मैं आपको दिखाऊंगा, बट आप लोग ये मत समझना कि बहुत नॉर्मल है आगे बैठना, बहुत ज़्यादा हार्ड है। वेव्स बहुत ख़तरनाक है, बहुत गंदी राइड करते हैं ये लोग। तो अगर आप एक एडवेंचर लवर हो तो आप आगे बैठो, इंजॉय करो लाइफ को। स्पीड बोट बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा तेज, इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इधर। और भाई आप देख रहे होंगे करंट इतना तेज है, बहुत तेज बोट है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। बहुत मुश्किल से पकड़ा हुआ है मैंने। और फाइनली यहाँ पे कोरल आइलैंड की ट्रिप समाप्त होती है। और ये कोरल आइलैंड के पैकेज में जो लंच इंक्लूडेड था वो यहाँ पर है। यहाँ पहले से ही बहुत भीड़ है।
Thank you.